दोस्तों लॉन्च हो गया कुबोटा का सबसे ज्यादा भारी बदलाव के साथ नया ट्रैक्टर। अब इस नए ट्रैक्टर पर आपको और भी ज्यादा एडवांस फीचर्स के साथ नया इंजन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों कंपनी इस ट्रैक्टर पर जो इंजन प्रोवाइड कराई है, सबसे कम तेल खपत वाला इंजन आपको मिल जाता है, जो करेगा डीजल की भारी बचत और देगा सबसे ज्यादा माइलेज, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें कंपनी दे रही है फ्यूल सिस्टम के लिए एडवांस क्वालिटी का टैंडम पंप, और इसमें आपको फ्यूल सिस्टम के साथ साथ कंपनी दे रही है जो माइक्रोबॉस का इनलाइन पंप रहता है उसे हटाकर फ्यूल इंजेक्टर, और यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी ने बैटरी सामने ही रखी है, और ड्राई टाइप का ड्यूल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर इस नए ट्रैक्टर पर आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों कंपनी फ्रंट में बैट होने से बैट का काम करती है, जिससे कि ट्रैक्टर फ्रंट लिफ्टिंग नहीं करता है, और इसमें आप देख सकते हैं सबसे बड़ा साइज का एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है, जिससे कि यह ट्रैक्टर बहुत ही ज़्यादा कूलिंग सिस्टम के साथ में काम करने वाला है, और यह ट्रैक्टर ना ही जल्दी गर्म होगा और ना ही डीजल की बर्बादी करेगा। दोस्तों बैटरी को फास्ट तरीके से चार्ज करने के लिए इसमें आपको 42 एम्पियर का अल्टरनेटर देखने को मिल जाता है, जो कि बैटरी को काफ़ी जल्दी चार्ज करने वाला है। दोस्तों इसमें कंपनी ने जो साइलेंसर प्रोवाइड कराया है पूरी जेसीबी जैसे देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आपको जाली मिल जाती है ताकि हाथ वगैरह धोखे से जाए तो हाथ वगैरह ना जले, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी का ख्याल रखा गया है। इसमें कंपनी दे रही है 2 किलोवाट की सेल्फ मोटर, जो कि 12 वोल्ट वाली मिल जाती है, और इस नए ट्रैक्टर पर आपको मिल जाता है ड्यूल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, जो कि देख सकते हैं फ्रंट एक्सल भी आपको काफ़ी दमदार धांसू लुक वाला मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है 365 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, और सामने आपको काफ़ी ज़्यादा बैटनेस वाला बम्फर भी देखने को मिलने वाला है। 75 AH 12 वोल्ट की साइड माउंट बैटरी आपको नहीं मिलती है, फ्रंट माउंट बैटरी कंपनी ने प्रोवाइड कराया है, जो कि एक्साइड की बैटरी आपको मिल जाती है। दोस्तों इसमें आपको जो टर्निंग रेडियंस मिलने वाला है 2900 mm का टर्निंग रेडियंस मिल जाता है, जिससे कि आप ट्रैक्टर को बहुत ही कम जगह पर आसानी से मोड़ सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी बेहतर फीचर्स कंपनी ने प्रोवाइड कराया है। दोस्तों इस तरफ देख सकते हैं कंपनी ने दिया है सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी के टैंडम पंप, जो इसमें आपको ऑयल सप्लाई मिलने वाले हैं। लगभग ये ट्रैक्टर के जो ऑयल सप्लाई करते हैं पंप, इसमें आपको 30 से 32 लीटर ऑयल सप्लाई करते हैं हाइड्रोलिक की, जिससे कि हाइड्रोलिक की सेंसिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। दोस्तों इसमें आपको जो इंजन मिलने वाला है कंपनी दे रही है 4 सिलेंडर 45 HP कैटेगरी के अंदर आने वाला 2434 cc का वाटर कूल्ड दमदार इंजन मिल जाता है, जिसमें यह ट्रैक्टर वर्क करता है इंजन के 2500 rated RPM के साथ में, यानी कि इसमें आपको इंजन के 2500 rated RPM के साथ में यह ट्रैक्टर 45 HP की ताकत जनरेट कर देता है। दोस्तों इसमें आपको एडवांस क्वालिटी का फ्यूल पंप देखने को मिल जाता है, जो कि अन्य ट्रैक्टर पर आपको माइक्रोबॉस का इनलाइन पंप मिलता है, इसमें आपको फ्यूल इंजेक्टर टाइप में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर कंपनी दे रही है, देख सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट, यानी कि इसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंट अटैच कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर सिस्टम मिल जाता है। बात कर लेते हैं टायर साइज की, तो इसमें आपको MRF के साथ 750/16 का फ्रंट टायर साइज देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको रियर टायर MRF का कंपनी ने प्रोवाइड कराया है। बात कर लेते हैं साइज की, तो इसमें आपको 14x28 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। चारों टायर आपको MRF के देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर ट्रेशर कंपनी के टायर इसमें यूज कंपनी ने प्रोवाइड कराए हैं। और दोस्तों इसमें आपको देख सकते हैं 45 HP के हिसाब से MRF के साथ 14x28 का टायर काफ़ी बेहतर अच्छा परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने इसमें यूज़ किया है, जिससे कि ट्रैक्टर कम डीजल खाए और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। दोस्तों इसमें अगर बात करें सामने की लुक की, तो सामने का लुक तो आपको कुबोटा ने काफ़ी दमदार धांसू लुक दिया है, जो कि इसके बोनट को आप एक ही क्लिक पर बड़ी आसानी से खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको लॉक सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिससे कि बैटरी चोरी होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है, और सामने आप देख सकते हैं 2 हैलोजन टाइप की हेडलाइट भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों कुबोटा अपने इस नए ट्रैक्टर पर दे रहा है 5 साल की सुपर वारंटी, जो अन्य ट्रैक्टर कंपनियां अपने ट्रैक्टर पर इंजन की वारंटी 2 साल की देती हैं, इसमें आपको सुपर वारंटी मिल जाती है, यानी कि इंजन के साथ साथ इसमें आपको पार्ट्स की भी वारंटी मिलने वाली है। इंजन अगर आपका ख़राब होगा तो वारंटी पर रिपेयर तो होगा ही, साथ में अगर ट्रैक्टर के कोई भी पार्ट्स अगर ख़राब हो रहे हैं तो वारंटी के अंदर वो भी रिपेयर होंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं पीछे के प्रोफाइल की, साथ ही जानेंगे लिफ्टिंग कैपेसिटी, PTO HP PTO टाइप। तो पीछे का लुक देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, जैसे कि इनकी लोअर लिंक को एडजस्ट करने के लिए आपको जैक सिस्टम नहीं चेन सिस्टम कंपनी ने प्रोवाइड कराया है, और इसमें आपको जो लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलने वाली है, कंपनी इसमें आपको 1640 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करा रही है, और इसमें आपको 540 स्टैंडर्ड RPM के साथ में
750 इको मोड देखने को मिल जाता है, यानी कि इसमें आपको दो प्रकार की पीटीओ स्पीड मिल जाती है। बात कर लेते हैं अगर इसकी पीटीओ एचपी की, तो इसमें आपको जो पीटीओ एचपी मिलने वाली है, कंपनी ने काफ़ी दमदार पीटीओ एचपी प्रोवाइड कराई है। और दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं पीछे का यहाँ लुक कुछ इस तरह का मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको जो लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है 1640 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में यह ट्रैक्टर आपको मिल जाता है। डबल इनबोर्ड डिएक्शन टाइप का रियर एक्सल इसमें नहीं दिया है कंपनी ने, इसमें आपको ईपीआई टाइप का रियर एक्सल देखने को मिल जाता है। पीछे का देख सकते हैं लोअर लिंक काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की देखने को मिल जाती है, और इसमें भी आपको ट्रॉली वगैरह यूज़ करने के लिए सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व देखने को मिल जाता है। फेंडर एडजस्टिंग के इसमें आपको सिंगल पॉइंट देखने को मिल जाता है, जिससे कि फेंडर को आप अंदर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कंपनी फिटेड आपको एक्स्ट्रा एक फेंडर एडजस्टिंग का पॉइंट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने दिया है पीटीओ ऑपरेट के लिए लीवर, और इस तरफ भी आपको फेंडर एडजस्टिंग का पॉइंट देखने को मिल जाता है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नए नए फीचर्स के साथ में कुबोटा ने इस 45 HP ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। और 45 HP कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो अन्य ट्रैक्टर कंपनियां इतना ज़्यादा फीचर्स अपने ट्रैक्टर पर प्रोवाइड नहीं कराती हैं जितने कि ये कुबोटा अपने इस 45 HP ट्रैक्टर पर दिया है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं हिच के लिए काफ़ी ज़्यादा एडजस्टिंग पॉइंट मिल जाते हैं, और इसमें कंपनी दे सकते हैं दोस्तों दे रही है यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट यानी कि होल मिल जाते हैं, जिससे कि आप कैनोपी वगैरह बड़े आसानी से कंपनी फिटेड लगवा सकते हैं, ये फिर खुद से भी लगा सकते हैं। टॉप लिंक फंसाने के लिए इसमें आपको 3 पॉइंट लिंकेज मिल जाते हैं ऑटोमेटिक सेंसिंग के साथ में, जिससे कि आप टॉप लिंक फंसाकर बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीट के पीछे ही आपको टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है, तो पीछे का भी देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी दमदार धांसू लुक प्रोवाइड करा है कंपनी ने। चलते दोस्तों ट्रैक्टर के आगे और बात करते हैं ऊपर की व्यू की, साथ ही जानेंगे ट्रांसमिशन डैशबोर्ड स्टीयरिंग। तो ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए आप देख सकते हैं सिंगल पायदान देखने को मिल जाता है, कंपनी इसमें दे रही है ऑयल वाले ब्रेक, और इसमें आपको ड्यूल क्लच देखने को मिल जाता है, जो कि सस्पेंडेड टाइप के पैडल इसमें आपको मिल जाते हैं। ऊपर का भी देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी दमदार लुक दिया गया है। दोस्तों इसमें आपको जो ट्रांसमिशन मिलने वाला है 8 प्रकार की आगे वाली स्पीड, वहीं 4 प्रकार की पीछे वाली स्पीड, फुल्ली सिंक्रोमेस साइड शिफ्ट गियरबॉक्स के साथ में कंपनी ने प्रोवाइड कराया है, जिसमें आपको 30 km/h की आगे वाली स्पीड, वहीं 13 km/h की पीछे वाली स्पीड मिल जाती है इंडिपेंडेंट डिबल पीटीओ के साथ में। और दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के लीवर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक कंट्रोल के लिए आपको 2 लीवर दिए गए हैं, और फुल्ली आपको सिंक्रोमेस साइड शिफ्ट गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको जो ट्रैक्टर की लंबाई मिलने वाली है, कंपनी ने काफ़ी दमदार 3110 mm की लंबाई दी है, और इसमें आपको 1870 mm की वेंथ मिल जाती है, यानी कि चौड़ाई मिल जाती है। और दोस्तों इसमें आपको 365 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में कंपनी दे रही है 1970 किलोग्राम का ट्रैक्टर का पूरा वजन, और देख सकते हैं ब्रेक के बदले कुछ इस तरह के मिल जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना नए नए वीडियो देखने के लिए।